तरीके से, खास करके कुछ ऐसा पोस्टर देखा जा रहा है अलायंस इंटरनेशनल की तरफ से किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, क्या है थोड़ा सा डिटेल जानना चाहेंगे उसके बारे में? I am Lion Manmohan Gupta. I am the zone chairperson for the Lions district 3231A3. हमारा Lions International worldwide service organization है. इसमें हमारे पास 210 countries में 48,000 clubs हैं और 1.4 million members हैं. ये कोई club नहीं है, ये एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है. हम लोगों की सहायता करते हैं जो हमारे नेबरहुड में और जो कम्युनिटी में जिस चीज़ की ज़रूरत रहती है हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं. हम लोगों का एक स्लोगन है, देर इज अ नीड देर इज अ लाइन. सर क्या सोच थी आपकी कि खास करके इस मैराथन को ऑर्गेनाइज किया आपने? हमारे क्लब में, हमारे लायंस इंटरनेशनल में बॉम्बे में 12,500 मेंबर हैं. हम सब लोग ही कोशिश करते हैं कि लोगों की मदद कर सकें. बॉम्बे के अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट में 15 मेडिकल सेंटर्स हैं और उनमें हमेशा छोटे छोटे बच्चे और सभी चीज़ों का हम लोग इलाज करते हैं. लास्ट ईयर हमने 1,000 से ज़्यादा कैटरेक्ट ऑपरेशन किए हैं और लायंस इंटरनेशनल का जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है वो विज़न का प्रोग्राम है. और छोटे बच्चे जिनका इलाज करने में तकलीफ होती है, जो कॉस्टली होता है और क्रिटिकली मींस जो एक लंबे समय से बीमार हैं, उसके लिए हम लोग मदद करने के लिए हमको फंड रेज करना था. फंड रेज करने के लिए हमने प्लान सोचा कि हम लोग कुछ ऐसा करें जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर सकें. तो हमारे लाइन सोर्स में आएंगे ही और इसके साथ में हम उम्मीद कर रहे हैं करीब 1,000 लोग हमारे साथ और मार्च करेंगे, वॉक करेंगे. और कुछ लोगों के लिए हमने रन का भी प्रोग्राम रखा है कि जो लोग दौड़ना चाहते हैं, अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं, उन लोगों को हम मौका देंगे कि वो लोग अच्छी तरह से रेस में भाग लें और हमारे लायंस क्लब का भी नाम रोशन करें और अपना भी नाम रोशन करें. सर ये किस लिए आप लोगों ने रखा है? ये जो प्रोग्राम है ये हमने क्रिटिकली इल चिल्ड्रंस के लिए हम फंड रेज कर रहे हैं, उसी के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है. और काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स हमारे साथ आए हैं जो हमको फंडिंग करने वाले हैं. कुछ CSR लोग से भी हम लोग फंड रेज कर रहे हैं और हमारी उम्मीद है कि शायद हम कुछ अच्छा अमाउंट रेज करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हम मदद कर सकें. ये हम लोग बैक रोड पर वीर सावरकर पार्क है वहाँ पर ऑर्गेनाइज करेंगे. और इट इज़ जो वीर सावरकर पार्क है वो बैक रोड पर इनऑर्बिट मॉल से इन्फिनिटी मॉल के बीच में है और वहाँ पे करीब 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो हम लोग 1,000 लोग साथ में मिलके वॉक करेंगे. सर कुछ प्राइस वगैरह रखा है? हाँ, जो रनर्स हैं उनके लिए हमने कैश प्राइज भी रखा है और जो वॉक करने वाले हैं उन लोगों के लिए हमने टी शर्ट्स बनाई हैं, स्पेशल टी शर्ट्स. उनके लिए रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट है, उनको मेडल्स देने वाले हैं और उनको हम लोग अच्छा रिफ्रेशमेंट कराने वाले हैं. और इसके साथ में 29 सितंबर को वर्ल्ड हेल्थ हार्ट डे है तो उस दिन हम विशेष प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि लोग बाग हार्ट को कैसे अच्छे ढंग से रख सकते हैं उसके बारे में हमारी एक डॉक्टर्स की टीम है, वो आके सब लोगों को गाइड करेगी और लोगों को बताएगी कि किसी को अगर इमरजेंसी है पास में और उसको हार्ट अटैक हुआ है या हार्ट उसको स्ट्रोक आया है तो हम उसकी इमीडिएटली कैसे मदद कर सकते हैं. सो गोइंग फॉरवर्ड डू यू आल्सो हैव एनी अदर प्लान्स फॉर सच कैंपेन्स फॉर द कॉज ऑफ द सोसाइटी आफ्टर दिस? यस, हमारे तो हमेशा प्रोग्राम रहते ही हैं कि जो हम सोसाइटी को, नियर बाय कम्युनिटी को हम लोग सर्व कर सकें. और हम, हमारे डिस्ट्रिक्ट में 5,000 मेंबर हैं सो आप सोच सकते हैं कि 5,000 लोगों के लोग अवेलेबल हैं सब लोगों की मदद करने के लिए. कुछ हम लोग कॉर्पोरेट्स के साथ भी हमने CSR फंड भी ले रहे हैं हम लोग और कुछ स्पॉन्सर्स भी लिए हैं और इसमें हमारा इस इवेंट में डेकैथलॉन इज द मेन स्पॉन्सर. मैम आप क्या बताना चाहेंगे इस मैराथन को लेकर, किस तरीके से आपका क्या रोल है? रोल तो सबका, एक टीम वर्क है तो रोल तो सभी का है इम्पोर्टेंट. मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे गेस्ट कौन कौन हैं. सबसे पहले तो पीयू है, पीयू चौहान, इंडियन शकीरा,
शायद ही कोई होगा जो उसको नहीं जानता होगा, ज़्यादा क्राउड तो उसके लिए आने ही वाला है। एंड जो हम स्टार्ट करने वाला है, मैं एक मैसेज दे रही हूँ, डोंट मिस, क्योंकि हम एक धमाकेदार एंट्री करेंगे। इट इज़ अ सरप्राइज विच आई एम नॉट गोइंग टू रिवील नाउ। आई वॉन्ट पीपल टू असेंबल बाय 5:30 बिकॉज 6 o'clock वी वॉन्ट टू स्टार्ट द इवेंट। एंड शी इज़ अ एनवायरमेंटलिस्ट ऑल्सो एंड लॉट ऑफ गुड वर्क शी इज डूइंग सोशल वर्क। नाउ माई सेकेंड गेस्ट इज घनश्याम उके जी। ही इज़ अ आयरन मैन, ही इज़ अ टाइगर मैन, ही इज़ अ राइफल शूटर। ये उनके ब्लेसिंग्स हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेंगे, क्योंकि हम ब्लेसिंग्स, क्योंकि वो लोगों को इंस्पायर करेंगे कि आपके लिए वॉक भी ज़रूरी है, रन भी ज़रूरी है, आपकी फिटनेस, आपका हेल्थ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा है डॉक्टर जयकृष्ण पाठक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन बॉम्बे यार्न मर्चेंट एसोसिएशन एंड एक्सचेंज लिमिटेड। He is also a chief guest. And the third is from Mumbai Police, Sandeep Gopinath, Mahamunkar Police Sub-Inspector, Bandra Traffic Police Division. And since last 36 years, he is in Mumbai Police. So we have 4 chief guests. Blessings unke saath, unki blessings ke saath, humara ye event start. एक क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे लेट्स वॉक के जरिए आप मतलब हेल्दी रहने का जो आप एक कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन अभी देख रहा है कि फूड्स भी कुछ ऐसे होते हैं कि उसके लिए कोई कैंपेन है कि फूड्स भी ऐसा खाएं जिससे हम हेल्दी रह सके वॉक के अलावा भी? जरूर। तो ये हमारा एक मेडिकल जो बैठेंगे, लोग बैठेंगे वहां पर, आपको ऐसे गाइड किया जाएगा कि आपको क्या फूड, हेल्दी फूड खाना चाहिए। वॉक जरूरी है क्योंकि वर्ल्ड हार्ट डे है, तो वॉक जरूरी है, रन जरूरी है। जो जो कर सकता है, जो वॉक कर सकता है वॉक, जो रन कर सकता है रन, पर फूड के लिए डेफिनेटली वी हैव न्यूट्रिशन पीपल गाइडिंग एंड डॉक्टर्स हु कैन हेल्प यू। क्या रोल रहेगा आपका पूरे प्रोग्राम? जी, मैं डॉक्टर भारती छाबरिया हूँ। मैं लायंस क्लब में, मेरी पोस्ट है GMT, वुमन एंड फैमिली हेड। तो GMT का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल मेंबरशिप टीम। मेंबरशिप टीम मतलब ये जो हम लेट्स वॉक कर रहे हैं लायंस का, इसमें लायंस तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं लार्ज नंबर्स में, बट हमारा टारगेट है नॉन लायंस, जिन्हें ये एक NGO है लायंस क्लब, इतना बड़ा जो कि इंटरनेशनल लेवल का है। तो काफ़ी लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि लायंस क्लब एक्चुअली क्या काम करता है, लायंस ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, ये NGO किस तरीके से चलता है। हमारा सबसे ज़्यादा मकसद होता है सर्विस, सर्विस यानी कि सेवा, सेवा सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में। आप कहीं भी आप गूगल कर लीजिए, लायंस ने जो आज सेवा की है, वो चाहे कैंसर पेशेंट हो, चाहे कहीं भी कार्य हो, लायंस क्लब हमेशा आगे रहता है। तो मैं एज ए GMT यहाँ पर जुड़ी हूँ, जो नॉन लायंस हैं उन सभी को इसमें जोड़ना और उनको भी मेंबर बनाना, क्योंकि कहते हैं ना कि सेवा तो ये दो हाथ ही दिए भगवान ने, लेकिन जब बहुत सारे हाथ एक साथ जुड़ते हैं तो सेवा भी बहुत ज़्यादा होती है। और सेवा की भावना की वजह से हम लायंस क्लब को आज ये लायंस क्लब के थ्रू ये मैसेज देना चाहते हैं कि साथियों आइए हमारे साथ जुड़िए, ये लेट्स वॉक में पार्टिसिपेट कीजिए, साथ में लायंस के मेंबर बनिए, हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कीजिए और लायंस बनकर देश की सेवा के लिए आप हमेशा आगे रहिए। जय हिंद। मैम क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके के क्राइटेरिया आप लोगों ने इधर पे रखा है, और क्या बच्चों के लिए या जो आने वाले लोग हैं उनके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट आप लोगों की तरफ से दिया जाएगा? मैम आप सभी को नमस्ते पहली बात, और मेरा नाम है लायन डॉक्टर निधि शुक्ला। मैं ये जो प्रोग्राम है, जैसे कि आपको हमारे सर ने बताया, भारती मैम ने बताया, आपको इस प्रोग्राम के बारे में बताया है, तो मैं इसके मेन मुद्दे पे आती हूँ। ये प्रोग्राम हमारा मॉर्निंग 5:30 चालू हो जाएगा, जिसमें हमने बहुत सारा एंटरटेनमेंट का जरिया रखा हुआ है। जैसे कि आप जानते हो कि पीयू चौहान मैम भी आ रहे हैं, तो ये हम 5:30 से चालू कर देंगे। जो हमने इसके साथ में वॉकेथॉन के साथ में हमने मैराथन भी रखा है 5 किलोमीटर्स। 5 किलोमीटर्स में हमने 3 विनर्स भी रखे हुए हैं, कैश प्राइजेस रखे हुए हैं। और जो हमारे वॉकेथॉन है उसको हमने एक कार्मिल के जैसा ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हम क्या करेंगे कि पहले तो हम एक परेड लेने वाले हैं। परेड के साथ में
जो हमारे गवर्नर्स हैं प्रशांत पाटिल सर, वो परेड लेंगे। परेड के बाद हमने इस चीज़ को 5 जगह पे डिवाइड किया है। उस परेड के बाद 2nd नंबर पे कुछ हमारे डॉक्टर्स जो उस टीम के साथ, जो लोगों के साथ घूमेंगे, 20-25 डॉक्टर्स होंगे जो घूमेंगे और उनसे बात करेंगे पब्लिक से कि क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, मतलब एज अ जनरल। देन फिर कुछ आगे इंटरटेनमेंट होगा, योगा होगा, देन फिर कुछ पंजाबी पे तड़के पे डांस होगा। इस तरह से पब्लिक को पूरे रोड पे हम कुछ ना कुछ नया देते हुए हम पार्टिसिपेंट्स को स्टेज तक लाएंगे। और देन अगेन वहाँ पे हमने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। प्यू मैम तो रहेंगे ही, उसके साथ भी एक्स्ट्रा हमने बहुत सारे अरेंजमेंट किए हैं लोगों को इंटरटेन करने के लिए। और वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे हाइजीनिक फूड्स जो वहाँ पे लाइव हम बनवा रहे हैं वो पार्टिसिपेंट्स के लिए है। मेडल है, टी शर्ट है। हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को हम इसमें इन्वॉल्व करें और हम उनके साथ इन्वॉल्व हों। सर आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट। नमस्कार, मेरा नाम लायन भावेश दनेचा, ZC जोन 11, डिस्ट्रिक्ट 3231A3। सर बेसिकली ये जो इवेंट हो रहा है लेट्स वॉक, ये क्रिटिकली इल चिल्ड्रन जो है उनके लिए हो रहा है, ये तो सर ने बताया, मनमोहन सर ने आपको बताया है। लेकिन क्रिटिकली इल चिल्ड्रन, या हम देखते हैं कि समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन हैं, बच्चे हैं जिनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। लायन डेफिनेटली जहाँ पे जो हो सकता है करता है, लेकिन इसके अलावा क्रिटिकली इल चिल्ड्रन की जब बात आती है तो हम वाड़िया हॉस्पिटल में देख रहे हैं, जब हम वहाँ पे विजिट करते हैं, हमारे वहाँ पे कई रेगुलर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कई क्लब्स के वहाँ पे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो बच्चों की जो हालत हम देखते हैं, पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते हैं बच्चों का इलाज करने के लिए। आज पीडियाट्रिक कैंसर ये बहुत बड़ा मसला होते जा रहा है। बच्चों की जो हैबिट्स है, फूड हैबिट्स, जैसे अब आपने क्वेश्चन भी पूछा था कि फूड हैबिट्स के बारे में क्या बता रहे, तो फूड हैबिट्स आज इतने लोगों की ख़राब हो गई है कि जिसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियाँ लोगों को हो रही है, बच्चों को हो रही है। आज छोटे छोटे बच्चे ये कैंसर है या और भी कई सारी खतरनाक बीमारियाँ जिसके शिकार हो रहे हैं, हार्ट अटैक बहुत कॉमन हो गया है। तो ये सारी चीज़ें में जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो पेरेंट्स कई बार हार जाते हैं। उस समय हमारा प्रयास रहेगा कि हो सके उतने लोगों को मदद करें, हमारे पास जो भी कॉर्पस आ रहा है, जो भी फंड आ रहा है, उससे हम लोगों की मदद करें। ये एक पहला इवेंट है या एक ऐसा इवेंट है जो समाज के लिए हमने किया है। ऐसे और भी कई सारे इवेंट हम करते रहेंगे आने वाले दिनों में, और अलग अलग विषयों पर, जैसे हमारे 8 फोकस एरिया है लायंस इंटरनेशनल के, तो अलग अलग फोकस एरिया पे हम काम करेंगे। आज पीडियाट्रिक कैंसर है या क्रिटिकली इल चिल्ड्रन हम कहें तो उनके लिए है। वैसे आने वाले और जो फोकस एरिया, जैसे एनवायरनमेंट की आपने बात करी थी, एनवायरनमेंट के ऊपर ये सब कोर्स हमारा फोकस एरिया है। विजन साइट फर्स्ट, ये हमारा एक फोकस एरिया है। तो ऐसे यूथ है, जो भी अलग अलग फोकस एरिया है उस पर हम काम करेंगे, एंड डेफिनेटली समाज में जो भी हमसे बन पड़ेगा हम करने के लिए तैयार है। जो लार्जर विजन ऑफ दिस कॉज एंड The purpose of this event is very clear. It is, you know, the idea is to have our community, have our population in a good health. That is the purpose. And it's on a very great day, because that's going to be a World Heart Day. So keeping in that mind with the World Heart Day, planning for this walkathon, whether it is a walk or it's a run, you know, it's going to create an image. It's going to create an image for the community, for the society, that how important is walking. Because, you know, nowadays the lifestyle has been changed. People are sitting and working. Most of the corporate people are our people who are working. Those who are in the job, they have to sit for 12 hours. You know, the lifestyle with the sitting conditions, with the junk food and or whatever we eat nowadays, you know, organic, non-organic, all these things are very different. So people are suffering, whether it is a viral fever or whether it is right from viral fever to the heart disease. And nowadays you must have seen that the most common cause of young death at the age of 25 to 40, if you see, the most common cause of the young death is heart attack. True. And people are dying because of the heart attack in the younger age. As we previously used to say ki older age they used to have one attack, second attack, third attack mein gaya. But nowadays, you know, the youngsters, they get only one attack and they are no more. The reason behind this is the lifestyle. Because the type of competition, the type of stress,
the type of living style. Nowadays, you know, what has happened is people want to become bigger and bigger, richer and richer in a very short time. At the same time, you know, previously people don't have a habit of doing expenses. You know, saving mode was more, you know, whatever they used to earn, they used to save 80%. Nowadays, the youngsters and this period of time, where the people earn 100 rupees and their expenses are more than 110 rupees because of the, house loans, bank other installments, car loans, and other expenses. You know, nowadays if a couple goes to a multiplex, at least he needs minimum 2,000 rupees. For going hotel, it needs minimum 2,000. And they enjoy life. I don't say that they don't enjoy life. They enjoy life, but at the same time, they have a lot of stress. And that is one of the reason of getting heart attack and competition. Arey, usne itna kama liya, usne gaadi le li, BMW le liya. Main abhi tak Maruti pe hu, so I wanted to reach to that BMW. And that competition makes him more stress, hypertension, diabetes, all these problems are more. So this awareness program, what Manmohan ji has planned, it's really fantastic because it's going to create an awareness to the people on the heart death. That how are you going to save your heart? What are the various methods of keeping your life and your health easy and comfortable and healthy, and at the same time why it is important to walk and why it is important to run. So, sir, in terms of numbers, how many participants are you expecting combining Lions and non-Lions? Somewhere around 1200 to 1500. मैसेज यही देना चाहेंगे कि मैक्सिमम लोग जुड़े, एक पब्लिक में अवेयरनेस हो. लायंस में तो हो गई, बिकॉज लायंस में तो ऑलरेडी इट हैज बीन यू नो मार्केटेड इन द फुल मल्टीपल, द होल बॉम्बे पीपल नोज दैट दिस इज ए गोइंग ऑन, राइट? सो द लायंस पीपल आर अवेयर, बट वी वॉन्टेड मोर जनरल पीपल टू नो अबाउट इट, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दे सकें. That is what is the idea. And then the another purpose of this is we would like to create an image of Lions International also, right? What exactly the Lions International does. And then we want people to join with the this organization, because this organization is totally a service oriented organization. It's an NGO where we believe only in service. Our main target is service, fellowship and leadership. That is what is the message. सबसे पहले नमस्कार. लायंस इज वर्ल्ड टॉप ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ग्लोबली फर्स्ट ऑफ ऑल एंड प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी. दिस इज अ वेरी गुड कॉज सर. And this is like, you know, this is a very good cause, and like I'm grateful, I'm heartily thankful to all team members, Lions Club, and zonal chairperson Mr. Manmohan Gupta ji, and Lions Vandana Manchanda, the coordinate for this event. This is a noble cause, aur ye jo inhone event organize kiya hai health ko leke, ye bahut hi matlab ek log jo bolte hai swachhata abhiyan, आपका हेल्थ है तो सब कुछ है, सारी चीज़ें. तो जब जो पुराने ऋषि मुनि के टाइम भी लोग बोलते थे कि आपका सबसे बड़ा जो धन है वो आपका स्वास्थ्य है, तो इस कॉज को लेके जो इनिशिएटिव लिया है पूरी टीम ने, और ये पूरी टीम वर्क है यहाँ पे, क्योंकि एक इवेंट को करने के लिए सबके अपने अपने रोल प्ले होते हैं और उसको पूरा प्रॉपर मैनेज करना तो बहुत बड़ी बात है. तो इस चीज़ को जो हेल्थ को इन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि आप रनिंग करें, रन करने वाले रन करेंगे 5 किलोमीटर एंड वॉक करने वाले 3 किलोमीटर वॉकेथॉन करेंगे, तो ये एक गुड हेल्थ है हमारे लिए सबके लिए. क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपका सोच अच्छा होगा, और आपकी सोच अच्छी है तो आप अपने समाज, अपनी फैमिली और अपने देश के लिए आप अच्छा करेंगे. तो दिस इज़ अ वेरी गुड कॉज. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम ग्रेटफुल कि मुझे इनके साथ जुड़ने का मौका मिला. Yes. आप कैसे जुड़े, मतलब जिस तरीके से हर जगह पोस्टर में आप दिखाई दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे किस तरीके से जुड़े हैं लायंस इंटरनेशनल से? एक्चुअली मुझे बचपन से ही शौक था फिटनेस और एनवायरनमेंट का. तो बिकॉज माय डैड इज प्रिंसिपल, तो मैं हमेशा ये करती रहती थी बच्चों का, स्कूल में, कॉलेजेस में रनिंग,
और फिट रहना है, सबको मोटिवेट करना है, चाहे वो व्हीलचेयर वाला लोग है चाहे नॉर्मली रनिंग वाले पीपल हैं। तो वो जब हम लोग दिल से और डेडिकेशन से ऑनेस्टी से जब किसी चीज़ के पीछे लगते हैं करते, तो गॉड हमें ऑटोमेटिकली लिंक दे देते हैं। और वंदना जी मेरे फैमिली पर्सन हैं, उन्होंने मुझे ये बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, और भारती जी ने भी बहुत सपोर्ट किया, फिर मनमोहन जी से हमें कोऑर्डिनेट करवाया, और जिस तरीके से ये कॉज था कि मैराथन होने वाला है और हेल्थ के ऊपर है, तो आई से कि नो आई एम मैं हूँ यहाँ पे, मैं सबको मोटिवेट करूँ बिकॉज दिस इज़ माय सब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमारा कनेक्शन हुआ और हम ये इवेंट कर रहे हैं आज। एनवायरनमेंट को कितनी ज़रूरत लगती है आपको, क्या सोचते हैं आपकी कितनी ज़रूरत है आज के जो सारी चीज़ें चल रही है उसे लेकर? ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसके लिए आज ही हमारा सारा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जो हमारे आई वुड टू लाइक ऐड वन थिंग, जो अभी गणपति जी निकले हैं, आपको सबको पता भी है कि गणपति जी के जब हम लाते हैं गणपति जी को, तब उनको बहुत ही धूम धड़ाके से और उनको सजा के और बहुत प्यार से उनको इज्जत के साथ बिठाया जाता है, और जब विसर्जन के टाइम पे आप उन्हें बहुत ही क्रूरता के साथ उन्हें ऐसे फेंक देते हैं जैसे लाइक ये आप गणपति जी और आप अपना धर्म का अपमान कर रहे हैं, और जिस तरीके से लोग हिंदुत्व की बातें करते हैं और जिस तरीके से ये फेस्टिवल को बदनाम किया गया है, जबकि इतना प्यारा फेस्टिवल है गणपति जी का। तो इसके ऊपर मैंने जितने भी ये सारे जो जिस तरीके से गणपति जी को फेंक के कहीं हाथ घूम रहा है, कहीं पैर है, कहीं उनका लाइक पूरी बॉडी के पार्ट्स हैं, तो उस सबका कैप्चर करके हम उसको बकायदा एक लेटर लिखेंगे हमारा, क्योंकि इससे फेंकने से हमारा एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है। रहेगा आपका और लोगों को क्या मैसेज देंगे कि उस दिन के लिए लोग कैसे तैयारी करके आए? जो हमारा मैराथन है ऑन 29 सितंबर, उसके लिए हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, और उस दिन हम स्टार्टिंग में वार्म अप करेंगे, देन ज़ुम्बा करेंगे सारी पब्लिक के साथ, और उन्हें मोटिवेट करेंगे कि हमारी हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए अवेयरनेस होता है। ये जो कुछ भी कैंपेन हम करते हैं ना, उसका अवेयरनेस के कंटिन्यू चीज़ें होनी चाहिए, फिर आप एक करेंगे फिर स्टॉप हो जाएंगे, दिस इज़ नॉट गुड। तो इसके अंदर एक अवेयरनेस है, जैसे हमारा ये मैराथन अभी स्टार्ट होंगे सभी के, ऑल कंपनीज आर डूइंग लाइक दिस सेम थिंग्स, मैराथन, वॉकेथॉन एंड ऑल, तो हम इसके अंदर इनको मोटिवेट करेंगे और ये मैसेज देंगे कि हमारी हेल्थ बहुत सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, और आप काम कीजिए, काम करें अपना जो भी, पर कुछ समय निकालें, अर्ली मॉर्निंग उठें, और उसके बाद जिस तरीके से आप एक घंटा या आधा घंटा जो भी आप वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जो भी आपका शेड्यूल है वर्किंग को लेके, वो करने के बाद आपका हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ये हमारा एक सब्जेक्ट है, उनको एक मैसेज देना कि जिस तरीके से लोग मोटिवेट होते हैं, सब एक साथ गैदरिंग होगी, और जिस तरीके से फ्लैग ऑफ होगा हमारा 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर का, और जो पीपल एक साथ जाएगा, पॉजिटिविटी रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करके सब लोग आगे बढ़ेंगे, तो ये हमारा एक्चुअल जो हमारा मैसेज है वो ये चीज़ का है। लोगों के लिए तैयारी करने के लिए भी यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, हम लोगों को गाइड कर रहे हैं कि आप ये वीडियोज़ देख लीजिए, और वॉक के लिए तो कोई विशेष तैयारी की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए तो विल पावर की ज़रूरत है कि सुबह 6 बजे उठ के यहाँ पर आना है, और रन के लिए यस तैयारी की ज़रूरत होती है, तो उसमें कुछ नए रनर्स हैं, कुछ सीजन रनर्स हैं, तो उनके लिए जो वीडियोस अवेलेबल हैं उसमें उनको गाइड कर रहे हैं। रास्ते में कोई मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी तो सब मेडिकल फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल रहेगी, एम्बुलेंस अवेलेबल रहेगी, डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे, किसी को कोई क्रैम्प हुआ या कुछ ऐसा आया तो उसके लिए हमारे डॉक्टर साहब ने पूरा फिजियो का हमारा अरेंजमेंट करके दिया है। और सबसे बड़ा जो है, मैं एक चीज़ सोचता हूँ जो हम वॉक अरेंज कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि मैं बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी नहीं हूँ। सपोज़ कीजिए मैंने आज वॉक करना शुरू किया, मैं सुबह 6 बजे सो के उठा, तो मैं 10-15 दिन तक वॉक करता हूँ, जिस दिन ब्रेक हो जाता है फिर वो पता लगता है 15-20 दिन का फिर ब्रेक ही हो गया। सो एक वो मैसेज है कि आप सुबह उठ के आएंगे तो जो आपको आनंद मिलेगा प्रकृति के बीच में वॉक करने का, तो शायद आप रोज़ वॉक करना शुरू करेंगे। जैसे ही आप सभी ने देखा कि ये लेट्स वॉक बहुत सिंपल है, लेट्स वॉक, चलिए साथ में कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। इसकी तीन बहुत इम्पोर्टेंट, इसके लिए तीन चीजें हैं लेट्स वॉक के लिए। सबसे पहले बता आपको कॉज, ये क्रिटिकली इल चिल्ड्रन के लिए हो रहा है, तो ये कॉज के लिए हो रहा है। कोई भी चीज जब सब मिलके कॉज के लिए करते हैं तो
तो अफकोर्स उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है. सेकंड, लाइंस का ये इमेज बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, जैसे हमारे गवर्नर साहब ने आपको बताया कि इससे इमेज बिल्डिंग होती है. जो नॉन लाइंस हैं उनको समझ में आता है कि लाइंस किस तरीके से काम करता है. और तीसरा है अफकोर्स जो अभी हम सब ने बात की, हेल्थ की अवेयरनेस के लिए. तो ये तीन मुद्दों को ध्यान में रखकर लेट्स वॉक को डिजाइन किया गया है. थैंक यू सो मच. Let's walk, let's run, let's learn more. Thank you.